हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ह्यूमन ज्योग्राफी सीरीज में हम ग्रीक ज्योग्राफर्स को पढ़ रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रीक ज्योग्राफर्स का रिवीजन भी किया था। आज से हम स्टार्ट करेंगे रोमन ज्योग्राफर्स के बारे में कि रोमन ज्योग्राफर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ज्योग्राफी में, कौन कौन सी डिस्कवरी की उन्होंने। अगर आपको क्रोनोलॉजी देखनी है कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, तो हमने जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर थे उनमें बताया था कि कैसे हम आगे फर्दर मूव करेंगे। तो हम एंशियंट पीरियड पढ़ रहे थे, एंशियंट पीरियड में ग्रीक्स खत्म किए, अब हम पढ़ेंगे रोमन्स के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात की जाए रोमन्स की, तो ग्रीक के बाद जो पॉलिटिकल पावर थी, यहाँ पर हमने ग्रीक लोग खत्म कर दिए, जितने भी ज्योग्राफर्स थे, खत्म इन द सेंस की पढ़ लिए हैं। तो पॉलिटिकल पावर अब कहाँ मूव कर गई थी, वो कर गई थी ग्रीक से रोमन्स की तरफ। अब किसके हाथ में आ गई सत्ता, जो पॉलिटिकल पावर्स थी वो आ गई अब रोमन्स के हाथों में। रोमन्स और ग्रीक में क्या अंतर है, देखिए जो ग्रीक थे वो ग्रीक ग्रीस कंट्री के थे, और यहां पर सिर्फ ग्रीस मत समझना, ग्रीस प्लस इट्स टेरिटरीज, मतलब जो उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई थी वो भी किस में आएंगे, ग्रीस। ग्रीक ज्योग्राफर्स जो हमने पढ़े थे वो ग्रीस प्लस इट्स टेरिटरी, और रोमन्स में क्या पढ़ेंगे हम, रोमन्स में रोम, रोम यानी कि किसकी कैपिटल है, इटली की, प्लस इसकी भी जो टेरिटरीज हैं, जैसे हमने सीरिया देखा था, एशिया माइनर देखा है, तो ये क्या है, इनकी टेरिटरी रही हैं। तो पॉलिटिकल पावर शिफ्ट हो गई ग्रीक से रोमन की तरफ, और इसमें कंट्रीब्यूशन किसका था सबसे ज्यादा, रोमन की जो सेना थी, रोमन आर्मी ने क्या है यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने सेंट्रल यूरोप को जीता, फ्रांस पर कब्जा जमा लिया, ब्रिटेन पर कब्जा जमाया, एंड एशिया माइनर पर भी उन्होंने कब्जा जमाया। तो रोमन एम्पायर के अंदर क्या क्या आ गए, सेंट्रल यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन एंड एशिया माइनर, जिसमें रोमन की आर्मी में यहां पर पोम्पे और सीजर। देखिए पोम्पे ने कहां पर सत्ता कब्जाई, अल्बेनिया और एशिया माइनर में। अल्बेनिया कहां पर है, ये ग्रीस कंट्री देखोगे अगर आप मैप में, उसके जस्ट वेस्ट साइड में आप देखोगे तो वहां पर एक कंट्री है अल्बेनिया। और एशिया माइनर, जैसा कि हम बार बार बता चुके हैं, एशिया माइनर में इजराइल आता है, लेबनन आता है और प्लस टर्की आता है। तो ये कंट्रीज हमने बताई थी एशिया माइनर में। तो पोम्पे ने अल्बेनिया और एशिया माइनर दोनों जगह पर कब्जा जमाया, लेकिन जो सीजर थे उन्होंने गोल और ब्रिटेन, उन्होंने यहां से अलग जाके जो ब्रिटेन वाला एरिया था वहां पर अपना कब्जा जमाया, किसने, सीजर ने। तो ये दोनों चीजें भी याद रखना है। तो रोमन्स का कंट्रीब्यूशन कहां पर ज्यादा रहा, फिजिकल ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में, रीजनल ज्योग्राफी में, कहां ज्यादा रहा। तो रोमन्स का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है हिस्टोरिकल और रीजनल ज्योग्राफी में। अब ऐसा नहीं है कि हिस्टोरिकल और रीजनल में ही रहा है, उनका फिजिकल ज्योग्राफी में भी कंट्रीब्यूशन रहा था। फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रैबो की हम बुक पढ़ते हैं ज्योग्राफिका के बारे में, ज्योग्राफिका जो कि 17 वॉल्यूम है, वो अभी देखने वाले हैं। स्ट्रैबो के बारे में हम इसी लेक्चर में ही पढ़ेंगे। तो स्ट्रैबो का एग्जाम्पल दिया जाता है, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी में। इसके साथ साथ जो पॉलीबस और पोसिडोनियस थे, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया फिजिकल ज्योग्राफी में। जैसे पॉलीबस, देखिए पोसिडोनियस को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये तो ग्रीक जो ज्योग्राफर्स थे उसमें भी पढ़ा। देखिए पॉलीबस और पोसिडोनियस, ये दोनों ज्योग्राफर को आप ग्रीक में भी पढ़ सकते हो और रोमन में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जब यहाँ पर पॉलिटिकल पावर शिफ्ट हुई थी ग्रीक से रोमन के टाइम में, तो जो बीच बीच का फेज है ये इसी के इसी फेज के, पॉलीबस और
पोसिडोनियस दोनों, तो उन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन किया। तो पोसिडोनियस हम पढ़ चुके हैं ग्रीक ज्योग्राफर में। पोलिबस, इनकी बुक का नाम है द हिस्टोरियस, तो इस बुक का नाम याद रखना है द हिस्टोरियस। इसमें इन्होंने जो रोमन रिपब्लिक है उसके इवेंट्स के बारे में जिक्र किया है। और उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने जो इरोजन की प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इरोजन, एंड सजेस्टेड हाउ स्ट्रीम्स ग्रेड देयर वैलीज, मतलब जो स्ट्रीम्स होती हैं वो वैली को कैसे काटती हैं। तो ये सब किसने बताया, पोलिबस ने। तो इस रोमन ज्योग्राफर में हम वन बाय वन पढ़ेंगे, पहले स्ट्रैबो के बारे में, देन टोलमी के बारे में, उसके बाद एक लेक्चर में पंपोनियस मेला और प्लिनी को कवर करेंगे। तो टोटल 3 वीडियो होने वाले, एक आज का वीडियो है जिसमें स्ट्रैबो को जानेंगे, टोलमी जो कि इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा, एंड देन पंपोनियस मेला और प्लिनी। और संडे को हमारा रिवीजन क्लास होता है, तो संडे को रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रैबो के बारे में। स्ट्रैबो, जिनका टाइम पीरियड 64 BC से लेकर 28 BC तक रहा है, और इनको कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको रीजनल ज्योग्राफी का जनक बोला जाता है। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ अमेसिया में। अमेसिया कहाँ पर है, जो टर्की कंट्री है, तुर्की है, उसमें पड़ता है ये अमेसिया। और किसका पार्ट था, एशिया माइनर का। तो फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी स्ट्रैबो को क्यों बोला जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है। उन्होंने जो वर्ल्ड था उस टाइम पे, नॉन वर्ल्ड, आज का वर्ल्ड नहीं, उस टाइम पे जो भी जगहों को जानते थे, जितनी कंट्रीज को जानते थे, उस टाइम के जितने भी नॉन वर्ल्ड थे उनको उन्होंने नेचुरल बाउंड्री के हिसाब से क्या है, डिवाइड किया था, ना कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज के हिसाब से, जैसे आजकल पॉलिटिकल बाउंड्री होती है किसी भी कंट्री की। लेकिन उन्होंने किसके बेस पर डिवाइड किया था वर्ल्ड को, नेचुरल बाउंड्री के हिसाब से, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे रिवर स्ट्रीम हो, चाहे प्लेट्यू हो, उनके बेसिस पर डिवाइड किया था। इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। ही वॉज द फर्स्ट ज्योग्राफर टू डिक्लेयर ज्योग्राफी एज कोरोलॉजिकल साइंस। उन्होंने ज्योग्राफी को क्या बताया था, कि ज्योग्राफी को उन्होंने डिक्लेयर किया था कोरोलॉजिकल साइंस। अब कोरोलॉजी क्या होती है, कोरोलॉजी होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं प्लेसेस और रीजंस की, और इसको एक तरह से आप रीजनल ज्योग्राफी भी बोल सकते हो। तो उन्होंने ज्योग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस बताने की कोशिश की और डिवाइड करने की कोशिश की वर्ल्ड को नेचुरल बाउंड्री के हिसाब से। लेकिन उन्होंने काफी कंट्रीज घूमी, जैसे रोम हो गया, मतलब जो कैपिटल है इटली की, ग्रीस कंट्री घूमे, इजिप्ट घूमे, इथोपिया, एंड अनेकों कंट्री उन्होंने उस टाइम पे घूमी थी। लेकिन जो एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी मैप आप खोल के देख सकते हो, मैप में आपको पहले भी दिखाया था, जो एड्रियाटिक सी है इटली के पास, वो उनके लिए क्या था, टेरा इनकोग्निटा। देखिए ये टर्म से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीधे, कि टेरा इनकोग्निटा टर्म किसने दी थी। जैसे हमने पहले पेरिप्लस वगैरह ये टर्म बताए थे, मैडिया बताए थे, कि मैडिया कौन सी जगह को बोलते थे, किसके किसके बीच की। पेरिप्लस जो कोस्टल सर्वे था उनके बारे में, जैसे टर्म, एक टर्मिनोलॉजी पे अलग लेक्चर लेके आएंगे। तो ये टेरा इनकोग्निटा उनके लिए क्या था, अननोन वर्ल्ड था, जो एड्रियाटिक सी था वो उसके बारे में नहीं जाने थे। तो उनके लिए एड्रियाटिक सी क्या था, अननोन था। तो इसीलिए क्या है, द एड्रियाटिक कोस्ट ऑफ इटली वॉज ऑल्सो अ टेरा इनकोग्निटा अननोन वर्ल्ड टू हिम। जो एड्रियाटिक कोस्ट थी इटली की वो उनके लिए टेरा इनकोग्निटा थी। उन्होंने अर्थ को किस शेप में देखा, ओबलोंग शेप में देखा। देखिए किसी ने सर्कुलर शेप बताया है अर्थ को, किसी ने डिस्क बताया है, किसी ने फिर अरिस्टोटल ने आते आते इसको क्या है, स्फेरिकल शेप बताया। लेकिन उन्होंने अर्थ को कैसा देखा, ओबलोंग शेप में देखा।
अगर बात करें कैस्पियन सी की, जो हेरोडोटस हमने पढ़े थे, हेरोडोटस ने कैस्पियन सी को क्या है इंटरनल बताया था कि चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है, वो करेक्ट थे बिल्कुल। आज भी अगर आप कैस्पियन सी को देखेंगे तो कैस्पियन सी चारों तरफ लैंड एरिया से घिरा हुआ है, लेकिन ये कैस्पियन सी के मामले में स्ट्रैबो गलत निकले। उन्होंने बोला जो कैस्पियन सी है हमारा, वो जो नदन ओशियन है ऊपर वाला, वो उससे कम्युनिकेट करता है, मतलब मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो स्ट्रैबो थे उनका ये कॉन्सेप्ट एक तरह से गलत होता है। उन्होंने क्या है, टोटल 43 वॉल्यूम की एक आप बुक बोल सकते हो या मेमोरियर बोल सकते हो, मेमोरियर जो कि उनका टाइटल दिया उन्होंने हिस्टोरिकल मेमोइर, आप इसको कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। तो टोटल कितने थे, 43 वॉल्यूम थे। उन 43 में से जो 17 वॉल्यूम थे उन्होंने किसके लिए लिखे, वो ज्योग्राफी के लिए लिखे। 1743 में से 17 वॉल्यूम उन्होंने ज्योग्राफिकल ट्रीटीज के नाम से दिए, और उस जो ट्रीटीज लिखी ज्योग्राफिकल उसका नाम दिया ज्योग्राफी का। सिंपल पूछ लिया जाता है कि ज्योग्राफी का बुक किसने लिखी, तो नाम याद रखना है स्ट्रैबो ने। टोटल वॉल्यूम 17 वॉल्यूम थे, एंड फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने फोर ब्रांचेस को कंप्राइज करके पढ़ने पढ़ा पहली बार। फोर ब्रांचेस, पॉलिटिकल, फिजिकल, मैथमेटिकल, हिस्टोरिकल, इसको उन्होंने एक ही साथ पढ़ा, एक ही बुक में लिख डाला। तो 17 वॉल्यूम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि 17 वॉल्यूम में उन्होंने क्या बताया था, जो उनकी ज्योग्राफी का बुक थी। जैसा कि हमने अभी देखा, जो स्ट्रैबो का वाच था वो 43 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड था। 43 वॉल्यूम्स में उन्होंने 17 वॉल्यूम किसके लिए दिए, ज्योग्राफी का। जो उनकी बुक थी ज्योग्राफी का, वो कितने वॉल्यूम में, 17 वॉल्यूम्स में है। तो वन बाय वन हम देख लेते कि किस वॉल्यूम में उन्होंने क्या बताया। अगर बात करें फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम की, तो उन्होंने क्या है, जो उनके स्टडी एरिया था उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, उसके उसको इंट्रोड्यूस कराया। जैसे कि उन्होंने उसमें जो प्रीवियस वर्क्स हुए थे, प्रीवियस ज्योग्राफर्स का डिस्कशन किया, मतलब उनके द्वारा जो वर्क किया गया था उसके बारे में बताया। लाइक जैसे होमर के कॉन्सेप्ट हैं, या होमर के वर्क को लिया उन्होंने, पोसिडोनियस के वर्क को लिया, इराटोस्थनीस के वर्क को लिया, तो सारे वर्क्स उन्होंने उसमें बताए। प्लस इसमें क्या बताया, जो एंटायर एरिया था उस टाइम का, जो नॉन वर्ल्ड था, जितने भी कॉन्टिनेंट्स उस टाइम पे जाने जाते थे, उन सब के बारे में वॉल्यूम वन एंड टू में बताया था। थर्ड वॉल्यूम में उन्होंने अकाउंट ऑफ यूरोप के बारे में बताया, जिसमें गॉल, ब्रिटेन और स्पेन के बारे में बताया। गॉल और ब्रिटेन, जैसे कि हमने बताया था, पोम्पे ने वहां पर क्या है, इन जगह को जीता था, मतलब उनका शासन था पोम्पे का। गॉल और ब्रिटेन में, गॉल अगर आज वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान का फ्रांस वाला एरिया है। उसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर्ड की, जो पोसिडोनियस का वर्क था, पोलिबस का वर्क था, या फिर सीजर, पोम्पे, जो कि हमने अभी अभी बताया है कि पोम्पे ने किस जगह को कब्जाया था और सीजर का कहाँ पे शासन था। तो वॉल्यूम 3 में उन्होंने बेसिकली जो यूरोप थे उसके बारे में बताया। तो सिंपल याद रखना, वॉल्यूम 1 एंड 2 में इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, वॉल्यूम 3 में अकाउंट ऑफ यूरोप, एंड वॉल्यूम 4 में उन्होंने क्या है, इसी के बारे में बताया, थोड़ा इसको और डिटेल में बताया। जैसे कि गोल जो कि फ्रांस है, ब्रिटेन और एल्प्स माउंटेन के बारे में यहाँ पर फोर्थ वॉल्यूम में बताया था। फिफ्थ और सिक्स्थ वॉल्यूम में उन्होंने इटली और सिसिली, ये इसी का पार्ट है इटली का, लेकिन एक अलग आइलैंड है। तो इटली और सिसिली के बारे में फिफ्थ और सिक्स्थ वॉल्यूम में बताया। उसमें उन्होंने मेजर सोर्स क्या रहा उनका, पोसिडोनियस का वर्क रहा, जो पोसिडोनियस ने अपना स्टडी एरिया बताया, तो उसको रेफरेंस की तरह माना स्ट्रैबो ने। और उसमें एक उन्होंने एक लिंकेज किया, किसका, जो वोल्केनो इरप्शन होती है और वाइन को लिंक किया। कैसे लिंक किया, वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन से जो चीजें बाहर निकलती हैं, तो
वो जो लावा होता है, वो लावा क्या है, फिर एक सतह पर आकर जमा हो जाता है, सतह पर जमा होगा, फिर इरोजन की वजह से वो सोइल में कन्वर्ट होगा, सोइल में कन्वर्ट होगा तो सोइल कैसी होती है, वो वाली फर्टाइल सोइल होती है, और वो फर्टाइल सोइल पर जो वाइन है, वाइन की खेती की जाती है इटली वाले रीजन में। जितना भी मेडिटेरेनियन सी के आसपास का रीजन है, वो किसके लिए जाना जाता है, वाइन्स के लिए जाना जाता है। देन सेवंथ वॉल्यूम में उन्होंने किसके बारे में बताया, जो कंट्री थी राइन रिवर के ईस्ट में और डेन्यूब के नॉर्थ में, वो वाला एरिया था उसके बारे में बताया। राइन रिवर ये कहाँ पर है, जर्मनी में है, देखा होगा डेन्यूब, ये भी उसके आसपास ही है, तो ये इस एरिया के बारे में ही उन्होंने बताया था, जो राइन रिवर का ईस्ट वाला पार्ट और डेन्यूब के नॉर्थ वाला पार्ट, उसकी स्टडी एरिया बताया सेवंथ वॉल्यूम में। एट नाइन्थ और टेंथ वॉल्यूम में उन्होंने बताया ज्योग्राफी ऑफ ग्रीस और उसके आसपास के जितने भी टापू मतलब आइलैंड्स थे, पड़ोसी आइलैंड, उनके बारे में बताया था। देन इलेवंथ और सिक्सटींथ वॉल्यूम में उन्होंने एशिया के बारे में बताया, डिस्क्रिप्शन ऑफ एशिया, और उसमें उन्होंने जो इराटोस्थनीस का वर्क था, इराटोस्थनीस के वर्क को यूज किया। देन उन्होंने टोरस माउंटेन को बताया, जो एशिया है उसको टोरस माउंटेन डिवाइड करता है नॉर्थ और साउथ में। उन्होंने बोला सपोज कीजिए ये क्या है, उस टाइम का एशिया है, और ये टोरस माउंटेन क्या है, नॉर्थ एशिया और साउथ एशिया को डिवाइड करता है। देन उन्होंने इंडिया की स्टडी की, इंडिया के बारे में मतलब अपने जो इलेवंथ और सिक्सटींथ वॉल्यूम है उसमें उन्होंने इंडिया का भी जिक्र किया, और इंडिया के लिए उन्होंने किसके वर्क को यूज किया, मेगास्थनीज के वर्क को। मेगास्थनीज जो कि जब आप मौर्यन अंपायर पढ़ते हो हिस्ट्री में, वहां पर इनका जिक्र होता है। मेगास्थनीज की इंडिका बुक भी आपने देखी होगी, तो उन्होंने उसी का रेफरेंस लिया। उसमें उन्होंने गंगा और इंडस रिवर के बारे में बताया, लेकिन पेनिनसुलर प्लेट्यू का कोई जिक्र नहीं किया था। देन लास्ट वॉल्यूम 17 वॉल्यूम किसके लिए, स्टडी ऑफ अफ्रीका मतलब अफ्रीका के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया। उसमें उन्होंने इजिप्ट के बारे में बताया, इजिप्ट जो कि मिस्र कंट्री है। अपने इस 17 वॉल्यूम में उन्होंने 2/3 पार्ट तो इजिप्ट पर ही फोकस किया। देन नील नदी नाइल रिवर के बारे में बताया, एंड वहां की जो ट्राइब थी उन ट्राइब्स के बारे में भी उन्होंने बताया। तो ये टोटल 17 वॉल्यूम है स्ट्रैबो की ज्योग्राफिका के। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली रोमन्स स्टार्ट किए, रोमन्स का इंट्रोडक्शन दिया, देन इसके बाद हमने स्ट्रैबो के बारे में जाना और स्ट्रैबो के 17 वॉल्यूम्स को जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉलमी के बारे में। टिल देन बाय, हैव अ